जो आप चौड़ा रास्ता देख रहे हैं, यही वो चौड़ा रास्ता है जो रथ यात्रा का रास्ता है। यहीं से रथ यात्रा गुजरती है। रथ यात्रा क्यों हुई? सुभद्रा की वजह से हुई। अपनी बहन को घुमाने के लिए दो भाइयों ने रथ का इंतज़ाम किया और उन्हें वह यात्रा कराई। तब से यह यात्रा यहाँ पर नियमित रूप से होती है। अभी आप जितनी भीड़ यहाँ देख रहे हैं, ये शायद कहूँ तो 1/10 भी नहीं होगी उस समय की भीड़ की जो रथ यात्रा के समय होती है। लेकिन भक्ति का अपना एक अनुशासन होता है, वो अनुशासन यह झलकता है। मैं चाहता हूँ कि आप रथ यात्रा के दृश्य भी देखें इस वक्त और अपने अंदर के भगवान की एक अद्भुत इच्छा जो उनकी बहन ने रखी थी उसे पूरा करने की जिज्ञासा देखें। भगवान से भाई कैसे बना जाता है, ये भी बहुत सीखने को मिलेगा। जगन्नाथ जी की जो यात्रा है, इसमें आप देख रहे हैं 3 रथ हैं। जो सबसे बड़ा रथ है ये भगवान श्री कृष्ण का है, उसके बाद जो दूसरा रथ होता है बलदाऊ जी का, और एक रथ होता है इसमें दीदी सुभद्रा का। अब देखिए ये रथ कैसे बनते हैं। ये तीनों रथ नारियल की लकड़ी से बनते हैं। देखिए क्षेत्र के अनुसार पूजा की सामग्री भी बदलती चलती है, और जलवायु और क्षेत्र के अनुसार जो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हैं वह भी बदलती चलती हैं। पहाड़ों पे देवदार की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो पूर्व और दक्षिण में नारियल की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये नारियल की लकड़ी से रथ बनाए जाते हैं, और नारियल की लकड़ी की एक बड़ी खासियत होती है, वो बहुत हल्का होता है। उससे बने हुए रथ एक तरफ मजबूत तो रहते हैं, लेकिन उसको आप बहुत आसानी से खींचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लोग खींचते हैं भगवान का रथ, एक अद्भुत विहंगम दृश्य जो अभी आपने देखा भी है। भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता है वो सबसे बड़ा रथ होता है, और भगवान श्री कृष्ण का जो रथ होता है वो पीले रंग का होता है। उसी से देखकर समझ में आ जाता है। पूरी दुनिया में ज़्यादातर पत्थर की प्रतिमाओं की पूजा होती है या धातु की प्रतिमाओं की पूजा होती है, लेकिन इस स्थान पर प्रतिमाएं लकड़ी से बनती। सारा कार्य वहाँ पर लकड़ी का है, भगवान भी लकड़ी के हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया जो होती है उस पर तीनों रथों को इसी सिंह द्वार पर लगा दिया जाता है। सिंह द्वार यानी प्रवेश का जो मुख्य द्वार होता है, इसी सिंह द्वार पर उस रथ को लगा दिया जाता है, और भगवान को स्नान कराया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं, और तीनों प्रतिमाओं को अपने अपने स्थान पर रख दिया जाता है। इसे पहुंदरी महोत्सव कहते हैं। जब रथ तैयार हो जाता है तब इस स्थान में जो राजा हैं, पुरी के जो राजा हैं, वो पालकी में आते हैं, फिर इस स्थान की प्रार्थना करते हैं, और वह रथ मंडप को झाड़ू से साफ कराते हैं, जिसे हम छर पहनरा बोलते हैं। इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है, और क्या ढोल, क्या नगाड़े, क्या शंख ध्वनियों के बीच में भक्तगण इस रथ को खींचते चले जाते हैं। देखिए भगवान का प्रताप, 5,000 वर्ष बाद भी वैसा ही है, बल्कि कहूँ तो बढ़ रहा है। उस समय तो जम्बूद्वीप के भातखंड के एक छोटे क्षेत्र में भगवान का प्रभाव था, आज पूरी दुनिया में यह वीर का और धार्मिक व्यक्ति का प्रताप होता है। इसीलिए तो वह विष्णु जी के पूर्णवतार हैं। यह सिंह द्वार है, इस सिंह द्वार से ये तीनों रथ लाखों भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण जी की मौसी का स्थान है। यहाँ अपनी मौसी के पास तीनों बच्चे पहुँचते हैं, वहाँ उनका आतिथ्य होता है, वहाँ थोड़ी देर वह रुकते हैं, और रुकने के बाद फिर धीरे 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 अपने स्थान की तरफ चलते चले आते हैं। कैसी अद्भुत जिंदगी है, कैसा अद्भुत दृश्य है। उस समय भी ये दृश्य था, उस दृश्य के समस्त प्रतीक आज भी उपस्थित है, और उस समय के दृश्य को आज भी जगन्नाथ जी के भक्त, क्या कहूँ, भाव से गला रुंध रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी के भक्त उस दृश्य को आज भी जीवंत कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आरंभ होती है। ये यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर के पास समाप्त होती है,
जहां भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन फिर से वापस यात्रा होती है जो मुख्य मंदिर पहुंचती है। ये बहुड़ा यात्रा कहलाती है। रथ यात्रा के दिन 1,14,000 लोग रसोई कार्यक्रम में तथा अन्य व्यवस्था में लगे होते हैं, जबकि 6,000 पुजारी पूजा विधि में कार्यरत होते हैं। ये 10 दिवसीय महोत्सव होता है। इस 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से होता है और कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी महीने भर के लिए किए जाते हैं।